समंदर अपने आप में एक रहस्य है। ये नीला और विशाल हमारे ग्रह का ज्यादातर हिस्सा घेरे हुए है। हम रोज इसकी सतह तो देखते हैं, पर इसके नीचे क्या है? इसकी गहराई में कौन से राज छुपे हैं? समंदर बहुत गहरा है। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये कितना गहरा होगा। जरा सोचो, धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट अगर पूरा पानी में डूब जाए तो? समंदर इतना गहरा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। सूरज की रोशनी गायब होने लगती है और पानी ठंडा होता जाता है। दबाव बढ़ता जाता है, जो किसी भी चीज को कुचल सकता है जो इसके लिए तैयार नहीं है। फिर भी जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। हमारे साथ चलिए समंदर की गहराई में, इसके रहस्यों को उजागर करने और इसके अनोखे निवासियों से मिलने। तैयार हो जाइए, लहरों के नीचे छुपी दुनिया देखकर दंग रह जाएंगे। समंदर कई परतों में बंटा हुआ है। हर परत अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। हर एक की अपनी खासियत है जो इसे बाकी से अलग बनाती है। पहली परत है सूरज की रोशनी वाली परत, जिसे हम एपिपेलैजिक जोन भी कहते हैं। ये सतह के सबसे नजदीक है, जहां सूरज की रोशनी पानी के अंदर तक जाती है, जिससे जीवन पनपता है। यहां हमें रंग बिरंगी मूंगे की चट्टाने और मछलियों, कछुओं और दूसरे समुद्री जीवों की चहल पहल दिखाई देती है। ये परत, यहां सूरज की रोशनी फीकी पड़ने लगती है और पानी और गहरा और ठंडा हो जाता है। इस परत में जीवन की विविधता भी बदल जाती है। इस क्षेत्र में अजीब अजीबोगरीब और अद्भुत जीव रहते हैं, जैसे बायोल्यूमिनेसेंट जेलीफिश और विशालकाय स्क्विड। ये जीव अपनी रोशनी खुद पैदा करते हैं। ट्वाइलाइट जोन के नीचे है मिडनाइट जोन, जिसे बैथाइप्लेजिक जोन भी कहा जाता है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरे में डूबी होती है। पानी बिल्कुल काला और बहुत ज्यादा ठंडा होता है। यहाँ का तापमान बहुत कम होता है, फिर भी ऐसे माहौल में भी जिंदगी बनी रहती है। यहाँ के जीव अंधेरे और ठंडे पानी में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। आखिरकार हम पहुंचते हैं समंदर के सबसे गहरे हिस्से ट्रेंचेस में, जिसे हदल पेलेजिक जोन भी कहा जाता है। ये समंदर की तलहटी पर गहरी खाइयां होती हैं, जो सतह से मीलों नीचे तक जाती हैं। ये खाइयां पृथ्वी की सबसे गहरी जगहों में से एक हैं। यहां दबाव बहुत ज्यादा होता है और तापमान जमने के बिल्कुल करीब होता है। इस परत में जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी यहां कुछ जीव पाए जाते हैं। गहरे समंदर में धरती के कुछ सबसे अजीब अजीबोगरीब और अद्भुत जीव रहते हैं। ये जीव हमारे लिए एक रहस्य की तरह हैं, क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ही इन्हें अपनी आंखों से देख पाते हैं। इनमें से कई जानवर बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं, यानी ये अपनी रोशनी खुद पैदा कर सकते हैं। ये रोशनी उन्हें शिकार को आकर्षित करने, साथी को ढूंढने और शिकारियों से बचने में मदद करती है। जरा एक एंगलर फिश की कल्पना करो, जिसके मुंह के सामने एक विशालकाय स्क्विड, जो कहानियों में सुना जाने वाला जीव है। ये स्क्विड गहरे समुद्र में रहते हैं और बहुत ही कम दिखाई देते हैं। ये विशाल जानवर 60 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिनकी आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। इनकी बड़ी आंखें उन्हें गहरे पानी में देखने में मदद करती हैं, जहां रोशनी बहुत कम होती है। इन्हें बहुत कम ही देखा जाता है, जिससे ये और भी रहस्यमय बन जाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए इनका अध्ययन करना एक चुनौती है, लेकिन हर बार जब इन्हें देखा जाता है तो ये हमें चौंका देते हैं। गहरे समुद्र में ऐसे जीव भी रहते हैं जिनके पास जीवित रहने के लिए अनोखे गुण होते हैं। ये गुण उन्हें अत्यधिक दबाव, ठंडे तापमान और अंधेरे में जीवित रहने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ब्लॉब फिश, जिसका शरीर जेली जैसा होता है, जो इसे गहरे समुद्र के बहुत ज्यादा दबाव को झेलने में मदद करता है। ये जीव अपने अनोखे शरीर के कारण गहरे पानी में आसानी से तैर सकते हैं। ये जीव हमें अजीब और अज्ञात लग सकते हैं, लेकिन ये धरती पर जीवन की अद्भुत विविधता की याद दिलाते हैं। इनकी विविधता हमें बताती है कि जीवन कितनी अलग अलग परिस्थितियों में पनप सकता है। ये हमें दिखाते हैं कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पनप सकता है।
चाहे वो अत्यधिक दबाव हो, ठंडा तापमान हो या अंधेरा, ये जीव हमें सिखाते हैं कि जीवन हर जगह संभव है। भाग चार, अन्वेषण की चुनौतियां। अंधेरा और दबाव। गहरे समुद्र की खोज करना आसान काम नहीं है। अंधेरा और बहुत ज्यादा दबाव इसे इंसानों के लिए एक कठोर और चुनौतीपूर्ण वातावरण बना देते हैं। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। सबमर्सिबल्स, छोटी पनडुब्बियां, जिन्हें गहरे समुद्र की खोज के लिए डिजाइन किया गया है, शक्तिशाली रोशनी से लैस होती हैं ताकि अंधेरे को चीरा जा सके, जो इस विशाल और रहस्यमय क्षेत्र के बारे में हमारी समझ का विस्तार करता है। भाग पांच, महासागर अन्वेषण का भविष्य रहस्यों का ताला खोलना। महासागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का समय आ गया है। महासागर अभी भी काफी हद तक अनछुआ है। इसके विशाल विस्तार में कई अनदेखे और अनजाने क्षेत्र हैं, जो हमारे अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में हम अपने ही ग्रह की गहराइयों से ज्यादा चांद की सतह के बारे में जानते हैं। यह एक अद्भुत तथ्य है कि हमने चांद पर कदम रखा है, पहुंचने में मदद कर रही हैं जो पहले असंभव माने जाते थे। ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल्स या AUV अब उच्च रिजोल्यूशन में समुद्र तल का नक्शा बना सकते हैं, जो गहराई के छिपे हुए परिदृश्यों को प्रकट करते हैं। AUVBT हमें महासागर के तल की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे हम उसकी संरचना और पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हर खोज के साथ हमें हमारे ग्रह की जलवायु को नियंत्रित करने, हमें भोजन प्रदान करने और जीवन की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करने में महासागर की भूमिका की अधिक समझ हासिल होती है। महासागर की यह भूमिका हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। महासागर हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है और इसकी खोज हमारे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम अपने ग्रह के महत्वपूर्ण संसाधनों को खो देंगे, जो हमारे जीवन को बनाए रखने में मदद करते हैं। गहरा महासागर हमें एक दूर और अज्ञात दुनिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह हमारे ग्रह का एक अभिन्न अंग है। इसके बिना पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र अधूरा है। इसके रहस्यों का ताला खोलकर हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह के स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर सकते हैं। महासागर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और भविष्य के लिए भी आवश्यक है।